आपकी शुभकामनाओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय मंत्री जी, और हजारों की तादाद में आप मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों, गांव, कस्बों से मध्य प्रदेश की इस राजधानी में माननीय मुख्यमंत्री जी के आमंत्रण पर पधारे हैं। मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि वे अपने हाथों से प्रतिनिधि बतौर प्रतीक स्वरूप 6 शिक्षकों को, अलग अलग जिलों से जो शिक्षक आए, प्रतिनिधि स्वरूप मंच पर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों शुभकामना पत्र और प्रशिक्षण सामग्री प्राप्त करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं सुश्री स्वाति यादव, माध्यमिक शिक्षक, EPES, तरुण कला, पिपरिया, होशंगाबाद, नर्मदापुरम। ये आप ही की प्रतिनिधि है, जोरदार तालियों से इनके आमद का स्वागत करें। ये तालियां लौटकर आप सब तक पहुंचे, आप अपने सम्मान में ये तालियां बजा रहे हैं। सुश्री पूजा तिवारी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, जिला निवाड़ी, ब्लॉक पृथ्वीपुर, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पृथ्वीपुर, हिंदी विषय के लिए इनका चयन हुआ है, सागर से पधारिए हैं। स्वाति जी के बाद सुश्री पूजा तिवारी। पूजा जी है ना, पूजा जी, सपना गौतम, सपना जी मंच पर आ चुकी हैं, उनका स्वागत है। माध्यमिक शिक्षक हैं और CM राइज महेश्वर, जिला खरगोन में इनकी पदस्थापना हुई है, बहुत बहुत स्वागत। श्री कपिल सिंह ठाकुर, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, CM राइज शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इच्छावर, जिला सीहोर। और इसके बाद सुश्री गीतू कास्टे, माध्यमिक शिक्षक, विज्ञान विषय में अध्यापन के लिए इनका चयन हुआ है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवली कला विकास खंड खालवा, जिला खंडवा से पधारी हैं। डॉक्टर वैशाली चौधरी, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हैं और बैरसिया भोपाल में इनकी पदस्थापना हुई है, मंच पर उनका भी हार्दिक स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों शुभकामना पत्र और प्रशिक्षण सामग्री वे प्राप्त कर रही हैं, बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। प्रकारांतर से आप सबका अभिनंदन है, आप ही मंच पर हैं, प्रतिनिधि बतौर हमने इन शिक्षकों का चयन किया, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस अवसर विशेष को रेखांकित करते हुए विभागीय प्रशिक्षण नीति और विभागीय परिसंपत्तियों की संधारण मार्गदर्शिका का भी प्रकाशन किया गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इन दोनों पुस्तिकाओं का, इन प्रकाशनों का विमोचन अपने हाथों से करें। माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी और माननीय जनजातीय कार्य मंत्री भी इस अवसर पर हमारे इस उपक्रम में शामिल हों। विभागीय प्रशिक्षण नीति पर केंद्रित जो प्रकाशन सामग्री है उसका विमोचन, आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के लक्ष्य की बात की गई है जिसमें किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। और मध्य प्रदेश में भी नई शिक्षा नीति पर आधारित स्कूली शिक्षा के विजन को तैयार किया गया है। इन्हीं तमाम दृष्टिकोणों को रेखांकित करती हुई यह मार्गदर्शिका, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण कर रहे हैं। इसी क्रम में विभागीय परिसंपत्तियों की संधारण मार्गदर्शिका का भी प्रकाशन किया गया है। और आपको बता दें कि शैक्षिक भवनों के रखरखाव और उनकी मरम्मतों पर आधारित एक मार्गदर्शिक पुस्तिका, इसका भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी, स्कूल शिक्षा मंत्री जी और जनजातीय कार्य विभाग की हमारी माननीय मंत्री जी मिलकर करेंगे। और ये सब आपके लिए है, आपके लाभ, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके उपयोग के लिए है। जोरदार तालियों से लोकार्पण के इस उपक्रम का, इस लम्हे का हम मिलकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, स्कूल शिक्षा मंत्री जी और माननीय जनजातीय कार्य मंत्री जी। आदरणीय दिव्य सज्जनों, आप सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे मुखातिब हों और अपनी तमाम व्यस्तताओं में से आपके लिए यह लम्हा, यह समय शिक्षक दिवस की पूर्व बेला पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुकर्रर किया है।
और उनकी इच्छा है कि वे आपसे संभाषण करें। अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आमंत्रित करें कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। एक नए गीत, नई तरन्नुम के साथ, नए आह्वान के साथ आप सबके बीच हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया, हम सबके लाडले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। बचपन से मैं पढ़ता भी रहा हूं और अंतर आत्मा से मानता भी रहा हूं, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सब मेरे भांजे भांजियों के गुरु हैं और इसलिए गुरुओं का आदर हो, सम्मान हो, समाज में इज्जत और मान रहे, तभी वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह और प्रभावपूर्वक कर सकते हैं। इसलिए सवाल उम्र का नहीं है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, गुरु तो गुरु होता है। गुरु गोविंद दो ऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए। और समाज गुरु का सम्मान करे, इसलिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आज अपने भाषण की शुरुआत इन गुरुओं को प्रणाम करके करेगा। ये मैंने हृदय से किया है, अंतर आत्मा से किया है। और बचपन से जब मैं पढ़ता था, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, प्राइवेट स्कूल में कभी नहीं पढ़ा, सरकारी स्कूल में अपने गांव में। स्कूल में उस समय टाट पट्टी नहीं होती थी, तो एक फट्टा बिछाने के लिए संग ले जाना पड़ता था। एक कांख में फट्टा दबाते थे, दूसरे में बस्ता होता था, और स्कूल जाके सबसे पहले जो हमारे गुरुजी थे, शिक्षक थे, उनके पैरों पे हम सिर रख के कहते थे प्रणाम गुरुजी। ये श्रद्धा का भाव होता था, और आज भी मैं कह रहा हूं प्रणाम गुरुजी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दोनों शिक्षा मंत्री मीना सिंह जी आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से, और इंदर सिंह जी स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से, दोनों सक्षमता पूर्वक शिक्षा की व्यवस्था के काम में जुटे हुए हैं। विभाग के हमारे अधिकारीगण, रश्मि जी, पल्लवी जी, संजीव जी, बैरागी जी, अभय वर्मा, धनराजू जी, सभी शिक्षा विभाग के हमारे साथीगण और हमारे सभी आदरणीय शिक्षकगण, गुरुजन, आप सबको आज मैं शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि इनको बुला के क्या करोगे, इनको काय को बुलाया है, इनके लिए पंडाल सजाया है, पंडाल में पंखे भी लगाए हैं। अरे जो बच्चों का भविष्य बनाने वाले हैं, वो बच्चे जो भारत के भाग्य विधाता बनेंगे, भारत को गढ़ने का काम करेंगे, क्या उनके निर्माताओं को मैं प्रणाम भी नहीं करूं? क्या उनसे हम चर्चा और बात भी ना करें?
आज मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरी आदर सहित आपको बुलाया है, पूरे आदर के साथ आपको बुलाया है। और मुख्यमंत्री मतलब मध्य प्रदेश के प्रथम सेवक के नाते मैं आपको वचन देता हूं कि आपके मान और सम्मान को बनाए रखने में हम कभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, एक जमाना था जब शिक्षा की पूरी व्यवस्था चौपट कर दी गई थी। गुरुजी, शिक्षाकर्मी अब पता नहीं कितने वर्ग बन गए और उसके कारण विद्यार्थियों का भविष्य भी चौपट हुआ और शिक्षा की व्यवस्था भी चौपट हुई। मैं पहले सांसद था, एक स्कूल में मैं गया था, बच्चों से जुड़ना मुझे बचपन से बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने एक बच्चे से सवाल पूछ लिया स्कूल में जाके कि बेटा बताओ गंगा जी कहां से निकली। तो वो अचकचा गया और फिर कहा विंध्याचल में से निकली। तो मैंने जो गुरुजी पढ़ा रहे थे उनसे पूछा, गुरुजी मतलब एक कैडर होता था, ये गुरुजी का मतलब संपूर्ण गुरुजी नहीं, बीच में आप में से कुछ को पता नहीं होगा, गुरुजी शिक्षाकर्मी ये सब व्यवस्था बन गई थी। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि भाई क्या पढ़ा रहे हो आप, ये विंध्याचल में से थोड़ी निकली है गंगा जी। तो उनका उत्तर था कि 500 रुपया में तो साहब वो गंगा जी विंध्याचल में से ही निकलेगी। शिक्षकों का भविष्य चौपट हो गया तो भविष्य क्या बनाएंगे। उस व्यवस्था को सुधारने की लगातार कोशिश करते 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 अब इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैंने गुरुजी के नाते आपको प्रणाम किया है, लेकिन आप मेरे प्यारे छोटे भाई बहन भी हैं और हम परिवार में इकट्ठा हैं, और इसलिए राज्य की जो अपेक्षाएं हैं आपसे वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक बात की और उद्घोषणा यहां खड़े होकर मैं करता हूं, शिक्षक नौकर नहीं है, शिक्षक निर्माता है, निर्माता। और इसलिए आपकी जो आपका जो काम है वो काम नौकरी का काम नहीं है। आप ये भूल जाओ कि आप कोई नौकरी करने वाले शासकीय सेवक हैं, आप बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले गुरु हैं। और मैं अच्छी तरह जानता हूं आप जैसे बच्चों का भविष्य गढ़ेंगे बच्चे वैसे ही आने वाले समय में भारत गढ़ के दे देंगे, मध्य प्रदेश बना के दे देंगे। ये दायित्व बहुत बड़ा है, ये छोटा नहीं है मित्रों, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को इस दायित्व के अनुरूप खुद को गढ़ लें। और इसलिए अंतरात्मा में एक दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं गुरु हूं और मुझे आने वाले भारत के लिए, जिसके बारे में भी इंदर जी ने बताया, वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध भारत, उसके लिए अच्छा मध्य प्रदेश, उसके लिए बच्चों को तैयार करना है। बच्चे माटी के लौंदे होते हैं, जैसा चाहो बचपन में गढ़ दो। और इसलिए स्कूल की शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं मेरी कहानी आपको सुनाता हूं। जैसे मैंने बताया मैं जैत में सरकारी स्कूल में पढ़ा, भोपाल में भी सरकारी स्कूल में पढ़ा। हमारे गुरुजी आज भी वो हैं, श्रद्धे रतन चंद जैन। मैं जाता था
उनके सिर पे हम सभी पैर रख, उनके सिर पे हम सदैव ही उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम अपने सिर को उनके पैरों पर सदैव रखते थे। अब मैं पहले बहुत धीरे धीरे पढ़ता था, किताब पढ़ने का कहते थे वो बच्चा पढ़ के सुनाओ बच्चों से कहते थे, पांच क्लास के एक ही गुरु होते थे, दूसरी वाले आ जाओ तो दूसरे वाले जाके उनके आसपास खड़े हो गए, कुर्सी पे वो बैठते थे हम आसपास खड़े हो जाते थे, फिर तीसरी वाले आ जाओ फिर चौथी वाले आ जाओ, ऐसा पढ़ाते थे। तो मैं किताब बड़े धीरे धीरे पढ़ता था, गुनर गुनर सी, कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन उन्होंने मुझे कहा, बेटा तुम ऐसे घबरा के काहे को पढ़ते हो, पढ़ो जोर से, शब्दों का उच्चारण जोर से करो और स्पीड धीमी रखो। तो मैं उस दिन से जोर से पढ़ने लगा और स्पीड धीमी रखने लगा, बीच में गैप रखने लगा। फिर एक काम करते थे वो, हर शनिवार के दिन बाल सभा होती थी हमारे यहां, तो बाल सभा में बाकी भी कार्यक्रम होते थे लेकिन वो अब रामायण की पांच दोहे तक, मतलब बीच में चौपाइयां होती है और चौपाई के बाद दोहे होते, तो पांच दोहे तक वो रामायण पढ़वाते थे। तो दो बच्चे रामायण को चौपाई सस्वर पढ़ते थे, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, फिर उसका अर्थ पढ़ते थे। तो वो अर्थ मुझसे पढ़वाते थे कि शिवराज अर्थ पढ़ेगा, तो मैं अर्थ बढ़िया पढ़ने लगा। धीरे धीरे स्थिति यो हो गई कि वो रामायण की चौपाई पढ़े तो मैं पढ़ा हुआ जो अर्थ था वो नहीं पढ़ता था, मैं बिना देखे ही अर्थ करने लगा। अब गांव में ये बात फैल गई कि यार मोड़ा तो बहुत तेज है, ये तो रामायण को अर्थ बहुत अच्छो करे। तो कई जगह मैं रामायण का अर्थ करने लगा। मैं अच्छा वक्ता अगर बना तो उसका श्रेय है श्रद्धे रतन चंद जैन जी को। मैं जो कुछ हूं आज, मैं बाकी बच्चों से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, शिवराज जो कुछ है वो अपने गुरु के कारण है, अपने गुरु के कारण। मुझे उन्होंने एक बात और कही जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और आप भी बच्चों से कहना। उनने मुझे एक मंत्र दिया कि शिवराज तुम ये मत समझो कि गांव में पैदा हुए, किसान के घर पैदा हुए हम छोटे किसान, कि मैं क्या कर सकता हूं। उनने मेरे दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया कि तुम दुनिया में सब कुछ कर सकते हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडारों, अपने आप को छोटा बालक मत मानो, कुछ करने का सोचो, कुछ करने का सोचो, कुछ करने का सोचो। मेरे दिमाग में बैठ गई बात का कुछ करना है। तो सातवीं में तो मैंने पहला आंदोलन कर दिया था मजदूरों के लिए, कुछ बड़ा करने का भाव मेरे अंदर भरा तो मेरे गुरु ने। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूं, सचमुच में हर बच्चा अनंत शक्तियों का भंडार है, भगवान ने किसी को कम और ज्यादा नहीं दिया, क्षमता सब में है। सवाल यह है कि उसको प्रकट वो कैसे कर पाता है। अगर गुरु ठीक मिल जाए तो बच्चे की क्षमता का प्रकटीकरण हो जाता है और वो डॉक्टर राधाकृष्णन, बाबा साहब अंबेडकर, एक नहीं अनेकों महापुरुषों जैसा बन जाता है। हर बच्चे में क्षमता है, लेकिन उसके पहले एक आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूं। देखो, एक तो यह कि जैसे तैसे 10 से 5 तक पढ़ाना है, और यह कि है कि नहीं चमत्कार करना है मुझे। मैं एक कहानी सुनाता हूं छोटी। एक गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, मंदिर के निर्माण के काम में 3 मजदूर लगे थे पत्थर तोड़ने के काम में। गर्मी के दिन थे, मई का महीना, सूरज अपनी किरणों से आग बरसा रहे थे और उस तपती दोपहरी में
वो मजदूर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। इतने में एक साधु बाबा वहां से गुजरे, पहले मजदूर के पास पहुंचे, बोले क्या कर रहे हो भाई? तो गुस्से से मजदूर का चेहरा तमतमा गया, बोले बाबा आंखें फूटती है, दिखाई नहीं दे रहा, किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहा हूं। आ गए पूछने क्या कर रहे हो। वो दूसरे मजदूर के पास गए बाबा शांत भाव से, और दूसरे मजदूर से पूछा क्या कर रहे हो भाई? तो दूसरा मजदूर अपेक्षाकृत शांत था, उसने कहा दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और इसलिए मजदूरी कर रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं। फिर वह तीसरे के पास पहुंचे, तीसरे का चेहरा आनंद से दमक रहा था, पसीना उसके भी बह रहा था, लेकिन चेहरा प्रसन्नता से भरा हुआ। उससे पूछा क्या कर रहे हो भाई? तो उस मजदूर ने प्रसन्न मन से कहा देख नहीं रहे हो बाबा, सामने भगवान का मंदिर बन रहा है, और भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों से को मिला है, इन हाथों से पत्थर तोड़ रहा हूं, मेरा सौभाग्य ये पत्थर भगवान के मंदिर में लगेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, काम एक पत्थर तोड़ना, और भाव तीन, किस्मत फूटी है इसलिए पत्थर फोड़ रहा हूं, जीने के लिए मजदूरी कर रहा हूं, और एक भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं, सौभाग्य है मेरा। मेरे प्रिय छोटे बहनों और भाइयों, गुरुजनों, एक ही हो सकता है कि ठीक है बन गए शिक्षक तो जैसे तैसे 10 से 5 करो कराओ नौकरी और निकल लो। दूसरा यह है कि ठीक है अब जो बता दिया विभाग ने उतना पूरा करो। और तीसरा ये कि भारत का भाग्य गढ़ने का सौभाग्य मेरे हाथों से मेरे को मिला है, मैं इन बच्चों को उनके अनुरूप गढ़ के पढ़ा के दिखाऊंगा, सचमुच में जिंदगी आनंद बन जाएगी। पढ़ाई का काम पूजा लगेगा, इससे बड़ा काम तो कोई है ही नहीं। और आपके हाथों अगर कुछ ऐसे बच्चे तैयार हो गए जिनने मध्य प्रदेश बना दिया, देश बना दिया, तो पूरे जीवन आप आनंद और प्रसन्नता से दमकते रहोगे कि चलो मेरे हाथों ये पवित्र काम हुआ है। आप जैसा काम कोई नहीं कर सकता, दूसरे प्रोफेशन के लोग नहीं कर सकते। और इसलिए कई बार मैं पढ़ने मचल उठता है मेरा मन पढ़ाने, और अब भी जब मौका मिलेगा तो आप कहोगे तो पढ़ाने में भी आ जाऊंगा कभी कभी। अद्भुत काम है। और कई शिक्षक अपने ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों के चमत्कार कर रहे हैं, आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अभी आपको यहां बता रहे थे शिक्षा मंत्री कि हम 17वें से 5वें नंबर पे आ गए, सरकारी में 3रे नंबर पे, और मुझे विश्वास है आप सबके प्रयास से हम पहले नंबर पर भी शिक्षा में पहुंचेंगे। मनमोहन विश्वकर्मा, माध्यमिक विद्यालय गेहूंखेड़ी ब्लॉक नरसिंहगढ़, सीखने का आनंददायी माहौल उनने खड़ा किया। बच्चे स्कूल आने मचलते हैं, भगते नहीं हैं। टेक्नोलॉजी से जोड़कर आईसीटी के माध्यम से शिक्षण उन्होंने शुरू किया, प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप की, और जनता के सहयोग से स्कूल को बदल के रख दिया, पेन कॉपी रजिस्टर कंप्यूटर टी गार्ड सबकी व्यवस्था कर ली। अब मेरे पास कई कहानियां हैं, लिधौरा दमोह के माधव पटेल, रघुनाथपुर राजगढ़ की श्रीमती ममता शर्मा, तुमड़ा नरसिंहपुर के हल्के वीर पटेल, शासकीय प्राथमिक विद्यालय कागदीपुरा के सुभाष यादव,
बैहर बालाघाट के जयंत खांडवे पुलिस लाइन शासकीय हाई स्कूल के श्री शहडोल के संतोष मिश्रा एकलव्य विद्यालय के बीएम तिवारी संदीप त्रिपाठी जी, समय कम है इनकी कहानियां मैं रटता हूं और लोगों को सुनाता हूं कि शिक्षक हो तो ऐसे हो जो स्कूल बदल देते हैं, बच्चों को बदल कर रख देते हैं। और मेरे प्रिय मित्रों, शिक्षा के तीन उद्देश्य होते हैं, नई शिक्षा नीति में भी जो बताए गए हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते थे, सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्ति दिलाए वो शिक्षा है, यही लोक में और परलोक में। इसका मतलब ये नहीं केवल मुक्ति के लिए काम करो, अर्थ इसका यह कि जो मनुष्य को संपूर्ण बनाए वो शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे, शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना दे, मनुष्य बना दे। और अगर इन कसौटी पर देखें, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति बनी है, मोटे तौर पर मैं उनको तीन भाग, तीन उद्देश्य उसके हैं, मैं तीन उद्देश्यों में बांट कर देखता हूं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। नंबर एक, शिक्षा का काम है ज्ञान देना। नंबर दो, कौशल देना। नंबर तीन, नागरिकता के संस्कार देना। अब ज्ञान आप सब समझते हैं, इतिहास का, भूगोल का, गणित का, विज्ञान का, भाषा का, जो पीढ़ियों से संचित ज्ञान है उसको हम इस पीढ़ी को ट्रांसफर कर दें, ज्ञानवान बना दें। जो काम हम करते हैं उसको हम कैसे इस ढंग से पढ़ाएं, रटंत विद्या ना बने, अनेकों रोचक तरीके, रोचक तरीकों से कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं और मूल कॉन्सेप्ट को समझें। अगर कॉन्सेप्ट ठीक से उन्हें समझ लिया तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विषय समझ में आ गया वो रटेंगे नहीं, वो उसमें इतने प्रवीण हो जाएंगे कि अपने ढंग से फिर उसको कहेंगे, समझ जाएंगे तो फिर वो संपूर्ण हो जाएंगे। एक ज्ञान देने का काम, वो काम आप दे रहे हैं, आपको कई तरह के प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं, अलग अलग प्रशिक्षण भी हो रहे हैं, तो ज्ञान देने का काम हमको करना है। लेकिन शिक्षा का दूसरा उद्देश्य और है, कौशल देना। कौशल देने का मतलब है बच्चा इतना योग्य बन जाए कि नौकरी रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, व्यावसायिक शिक्षा अब छठवीं क्लास से ही प्रारंभ करने का फैसला नई शिक्षा नीति में किया गया है। देखिए, हम बच्चों को ऐसा नहीं बना सकते। आजकल कई बार मीडिया के मित्र हंगामा खड़ा कर लेते हैं कि मास्टर ने पानी का गिलास बच्चे से भर के बुलवा लिया, इसमें क्या तकलीफ है भाई? मतलब ऐसा लगता है कि बच्चे कुछ करे ही ना। अरे, हम अपने स्कूल में सामने जगह थी और पीछे जगह थी स्कूल के, तो बरसात के दिनों में ककड़ी बोते थे, भुट्टा बोते थे, खुदाई खोदते थे, और फिर भुट्टा जब हो जाते थे तो तोड़ के गुरुजी को भेंट करके इतने खुश होते थे कि देखो गुरुजी कितने अच्छे भुट्टे हुए। और बाद में दिवाली, नवंबर में, दिसंबर में आलू लगा देते थे।
बच्चों को परिश्रम करना आना चाहिए, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे परिश्रम ही करवाए, लेकिन मेहनत करने का बुनियादी गुण। व्यावसायिक शिक्षा का मतलब यही है कि केवल किताबी शिक्षा नहीं, उसके साथ साथ अलग अलग, चाहे कृषि की हो, बागवानी की हो, नई शिक्षा नीति में कई चीजों के प्रावधान है, उसकी शिक्षा भी देना। और शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है, नागरिकता के संस्कार देना। मेरे प्रिय मित्रों, ये शिक्षक है जो बच्चों में देशभक्ति का भाव भरेगा, देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ, केवल अपने लिए नहीं समाज के लिए सोचने वाले, परहित की चिंता करने वाले, आत्मवत सर्वभूतेषु मानने वाले, जियो और जीने दो का भाव वाले, ऐसे बच्चे अगर तैयार हो गए तो देश अपने आप बन जाएगा, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए नैतिक शिक्षा, मुझे कई बार बहुत चिंता होती, मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं, हमने बेटियों के पैर क्यों हमने छुए, मैं क्यों सरकारी कार्यक्रम कोई भी बेटियों की पूजा से शुरू करता हूं, इसलिए कि जब समाज में भाव देखते हैं माता बहन और बेटी के प्रति, जो आधुनिक युग में विशेषकर फोन, स्मार्टफोन और कई बार टीवी देख के भी पैदा हो रहा है, वो ठीक नहीं है। कई बार मैं तो कांप जाता हूं अंदर से, आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कैसी कैसी घटनाएं होती है, आज आपको मैं बता रहा हूं और तकलीफ के साथ बता रहा हूं, दुराचार की जो घटनाएं होती है बेटियों के साथ, उनमें से 82% वो लोग करते हैं जो पहले से परिचित होते हैं परिवार के, जो अच्छे ढंग से जानते हैं, और उनमें से 5-6% ऐसे होते हैं जो निकट के रिश्तेदार होते हैं। और कहते हुए मेरी आत्मा रोती है कि कई बार तो ऐसी घटना आती है कि पिता ने ही पुत्री के साथ दुराचार कर लिया, बहुत कम है, लेकिन ऐसे नराधम, नीच, पिशाच आज समाज में है। और तब मन में चिंता होती, कहां जाएगा समाज, आखिर कौन दिशा देगा, ये काम कोई पुलिस नहीं कर सकती, घर में क्या कर लेगी पुलिस जाके बताइए, परिचिति गड़बड़ करेगा पुलिस क्या कर लेगी। कुछ घटना तो ऐसी हुई कि माता पिता ने भरोसा करके किसी के पास छोड़ दिया और उसने गड़बड़ की, संपूर्ण समाज ऐसा नहीं है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति पनप रही है, इसको कौन रोकेगा बताओ, इसको हम संस्कार देके रोक सकते हैं। और इसलिए मुख्यमंत्री के नाते मैं बेटियों के पैर धोता हूं, उनको तिलक लगाता हूं, उनकी पूजा करता हूं और समाज को संदेश देने की कोशिश करता हूं कि बेटियां देवियां हैं। इसलिए लाडली लक्ष्मी से लेकर अनेकों योजनाएं, ये केवल कर्मकांड नहीं है, लेकिन ये बेहतर शिक्षा और संस्कार कहां से मिलेंगे, क्या बेटों के मन में, बच्चों के मन में ये भाव भरना जरूरी नहीं कि ये जो बेटी है ये तेरी बहन ही है, अलग तरह के संस्कार, नैतिकता, चरित्र, उसको गढ़ने का काम। और जो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी व्यवस्था में इस शिक्षा के लिए पर्याप्त जगह रखिए, अलग पीरियड, अलग दिन तय हो जिसमें हम नैतिकता की कहानी सुनाएं, देशभक्ति की कहानी सुनाएं,
मैं बताऊं, मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो मैं खूब पैर छूता था बड़ों का, मुझे क्या संकोच, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है। बात स्वभाव में आ गई, संस्कार बन गई। और इसलिए देशभक्त हमने कोशिश की है। अरे एक जमाने में तो कुछ ही महापुरुष थे जिनकी कथाएं होती थी पाठ्यक्रम में। हमने कहा क्रांतिकारियों की कथाएं पढ़ाएंगे, देशभक्तों की कथाएं पढ़ाएंगे, भारत के गौरवशाली इतिहास की कथाएं पढ़ाएंगे। और हमने जोड़ी कई कथाएं और जोड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद को नहीं पढ़ाना चाहिए देश के लिए, सब कुछ ने उछावर कर दिया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह क्यों नहीं होने चाहिए, ऊधम सिंह क्यों नहीं होने चाहिए, वीर सावरकर क्यों नहीं होने चाहिए। एक ने अनेक को महापुरुष, मैं कोई बहुत महापुरुष, देश आजाद कैसे हुआ, देशभक्ति और उसके साथ साथ नैतिक शिक्षा। ये नैतिक शिक्षा का पीरियड बहुत जरूरी है। अब हमसे पूछते तो समय गुरु जी पांच अच्छी चीज बताओ, पांच अच्छी बातें बताओ, तो हम कहते थे सदा सत्य बोलो, कभी चोरी मत करो, माता पिता का गुरु का आदर करो। एक बार ये बताया गया कि कोई असहाय है तो उसकी मदद करो, मतलब कोई अगर अंधा है दिखाई नहीं देता तो हाथ पकड़ के उसे सड़क पार कराओ। तो मैं जब भोपाल पढ़ने आया तो मैं देखता रहता था जब जाता था स्कूल कि अगल बगल में कोई ऐसा तो नहीं है बेचारा जिसको दिखाई नहीं देता हो तो तुरंत मैं हाथ पकड़ के सड़क पार करा दूं। देखो मन में ये बात घुस जाती थी, अगर बस में जा रहे हैं और भीड़ बहुत है और कोई बुजुर्ग या बहन आ जाए तो उसके लिए अपनी सीट छोड़ दो। तो मैं कभी बसों में, मैं तो खूब बस में घूमा हूं, तो मैं मौके ही देखता था कोई आए बुजुर्ग और कोई बहन तो मैं तुरंत सीट छोड़ दो और कहूंगे बैठिए आप, उसमें आनंद आता था। अब ये चीज संस्कार बन जाती है, गुरु जो सिखाता है वो संस्कार बनता है। और इसलिए अच्छी चीजें हम कैसे सिखा सकते हैं, नई शिक्षा नीति भी कहती है। और मध्य प्रदेश में तो मैं आपको आग्रह कर रहा हूं, पूरा शिक्षा परिवार हमारा ऊपर बैठा हुआ है, नैतिक शिक्षा उसके पीरियड बहुत जरूरी है। और एक दिन बिना बस्ती के शिक्षा वैसे ही आओ, किताबों का बोझ घर धरे आओ, बिना किताब के आओ, और वहां फिर नैतिक शिक्षा और अच्छे गुण सिखाने का काम है। यह नागरिकता के संस्कार है। और एक बालक की क्षमता का प्रकटीकरण, उसमें कोई चीज है तो हम कैसे उसको और उत्साह बढ़ाएं। अरे तू तो बहुत अच्छा बोल सकता है, तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी, वो अच्छा वक्ता बन जाएगा। अरे तू तो बहुत अच्छा गा सकता है, वो गाने की कोशिश करेगा, हो सकता बहुत अच्छा गायक बन जाए। तुम तो बहुत अच्छा बजाते हो सकता वो बहुत अच्छा वादक बन जाए, संगीतकार बन जाए। तुम तो दौड़ते अच्छे हो, और कोशिश करो, हो सकता है वो कल ओलंपिक में मेडल ही ले आए। ये बड़ी बात है नहीं है? नसरुल्लागंज की मंडी में एक बेटी मछली पकड़ने का काम करती थी, अभी की घटना, कावेरी नाम है ना उसका, कावेरी। अब उसमें नाव चलाने की, नाव पे मछली पकड़ने जाती थी, तो क्षमता देख के उसको प्रेरित किया तुम नाव चला दे। अब वो धीरे धीरे नाव के चलाने में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मेडल जीत के ला रही है, उसको प्रेरित किया कि कर। तो ये बच्चे के अंदर अगर कोई प्रतिभा है तो वो प्रतिभा कैसे प्रकट हो, उसको गढ़ दो, धीरे धीरे उसको हिम्मत बढ़ाओ, हौसला बढ़ाओ। और आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा दिखे तो विभाग से संपर्क करो, नहीं तो मामा को भी सीधे लिख के भेज दो कि ये बच्चा बहुत अच्छा दिख रहा है, इसकी कुछ मदद होनी चाहिए। तो हम कई बच्चे बना सकते हैं। इसलिए प्रतिभा का स्वाभाविक प्रकटीकरण, केवल इसके लिए नहीं, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह दुनी बत्तीस। अब वो तो पढ़ा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर जो प्रतिभा है किसी भी क्षेत्र की, उसका प्रकटीकरण। अब हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे, बोर तो नहीं हो रहे, बोलू ना अभी, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे
धीरे धीरे योग की शिक्षा प्रारंभ करेंगे और उसकी ट्रेनिंग भी आप में से कई लोगों को देंगे। योग, व्यायाम, प्राणायाम ये बच्चों को निरोगी बनाएगा। और मैं सच कहता हूं, ये सब तरह की जो शिक्षा है वो देके बच्चों को आप गढ़ सकते हो। आज मैंने इसलिए बुलाया, एक बार सीधे, और आज नहीं, मेरी तो इच्छा है कि हर साल बुलाएं। अरे इतने कार्यक्रम करते हैं सरकारें, साल में एक बार शिक्षकों को प्रणाम क्यों ना करें, उनसे बातचीत क्यों ना करें, उनसे चर्चा क्यों ना करें। ये तीनों तरह की शिक्षा, ज्ञान, कौशल, नागरिकता के संस्कार की, और उसके साथ साथ प्रतिभा के प्रकटीकरण की। अब धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो पहले तो स्कूल के भवन ही नहीं थे, अब भवन बड़ी संख्या में बढ़ रहे। सीएम राज स्कूल का कॉन्सेप्ट लेके आए, लेकिन मैं तो चाहता हूं हर विद्यालय वैसा हो। सीएम राज की भी कल्पना यह है कि 20-25 गांव के बीच में एक ऐसा स्कूल डेवलप हो जाए कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त हो, लैब हो, लाइब्रेरी हो, स्मार्ट क्लास हो, प्ले ग्राउंड हो, बच्चों को हम भी शिक्षा दे सकें, जरूरत पड़े तो दिल्ली और भोपाल से विशेषज्ञ से भी शिक्षा दिलवा दें, उसकी स्वाभाविक क्षमता को प्रकट करवा पाए। कई तरह की कमियां हैं, उनको भी धीरे धीरे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा पे पहले तो 2% व्यय होता था, बजट का 12% हम खर्चा करने लगे हैं ताकि ये साधन जुटाएं धीरे धीरे। तो सीएम राज में शिक्षा, लेकिन हर स्कूल सीएम राज जैसा बन जाए कोशिश। और एक बात है, मातृभाषा में शिक्षा। देखो, एक अंग्रेजी पढ़ाओ, आप भी सीखो, बहुत जरूरी है, सीखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात मैं और शेयर आपसे करना चाहता हूं, बच्चों को अगर उनकी भाषा में पढ़ाओगे तो उनकी स्वाभाविक क्षमता प्रकट हो जाएगी, वो बहुत जल्दी समझेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। अपना अंग्रेजी का भूत इतना हावी कर देते हैं बच्चों पे कि कई बार सब कुछ होते हुए अंग्रेजी उन्हें मार डालती है, वो एक अलग तरह के कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाते हैं। अंग्रेजी नहीं आई तो फिर क्या करेंगे? अरे मैं तो दुनिया के कई देशों में जाता हूं, धड़ल्ले से हिंदी बोलता हूं, जिनको समझना ट्रांसलेटर बोला और समझो अपनी भाषा में, हमें काहे की शर्म, अपनी हिंदी हम बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी हिंदी में बोलते हैं, ये बिल्कुल इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है। अरे अंग्रेजी नहीं आती क्या करूं, नहीं आती तो नहीं आती, जिनको पढ़ाना उनको आनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा के रूप में मैं सीखने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अपनी भाषा का गौरव और उसमें शिक्षा देना, फटाफट बच्चे समझ जाते हैं। और दुनिया के कई देश, जर्मनी, जापान, फ्रांस, चीन, कोई अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? यह तो हमें मानसिक गुलाम बना दिया गया है, अंग्रेजी। मैंने कहा नहीं जी, हिंदी चलेगी जी। और इसलिए मध्य प्रदेश पहला राज्य जहां मेडिकल की पढ़ाई भी इस साल हिंदी में शुरू करवा देंगे हम, मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी। भाषा के नाते सब भाषा पढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी भाषा, निज भाषा की उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, ये भाव मन में रहनी चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, एक महान और बड़ा काम आपको मिला है, आपका काम भारत के भविष्य को निर्धारित करेगा। और जैसा मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था कि अपने आप को कमजोर मत समझना, दीनहीन मत समझना, आज मैं आपको वो बात ट्रांसफर कर रहा हूं, तुम ईश्वर के अंश हो, अमर आनंद के भागी हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। और काम तय है अपने,
लेकिन उस काम को ढंग से करने के लिए भाषण नहीं बोलता, आचरण बोलता है। हमारा आचरण वैसा चाहिए। अब गुरु हैं, गुरु को देख के लोग सीखते हैं। अब आप बताओ, खुद ही देर से अगर कोई स्कूल जाए और बच्चों से कहे समय का पालन करो, तो कोई अपनी बात मानेगा क्या? अगर हम खुद ही स्वच्छता, अपने कपड़ों से, लत्तों से, बाकी चीजों से प्रकट नहीं करते और हम बच्चों से कहें कि नहीं नहीं बढ़िया रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, मौके बेमौके के पे अगर हम ही झूठ बोलें और हम बच्चों से कहें कि नहीं तुम सदा सत्य बोलो, ये दो चीजें नहीं हो सकती। इसलिए आप अत्यंत महान काम कर रहे हो, लेकिन आप तो बोले, आपका आचरण भी बोलना चाहिए, आपका आचरण बोलना चाहिए। आपको गांधी जी की वो छोटी सी कहानी याद होगी। एक मां अपने बच्चे को लेके महात्मा गांधी के पास गई और कहा, बापू ये बहुत बिगड़ गया है। बापू उनका क्या हो गया? बोलिए, रोज मीठा खाता, रोज गुड़ गुड़ खाता, इससे कह दो कि गुड़ नहीं खाए। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा करो बहन, कल आना। अब बहन कल लेके आई तो गांधी जी ने फिर कहा कल आना। ऐसे 6-7 दिन निकल गए। अब छठवें दिन गांधी जी ने बच्चे से कहा कि बेटा गुड़ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा गुड़ खाना नुकसान करता है, इसलिए रोज गुड़ मत खाया करो। अब मां को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बात बापू कहने में, अरे तो पहले ही दिन क्या देते, गुड़ मत खाओ। तो बापू ने कहा कि मैं कैसा कहता मेरी बहन, मैं तो खुद ही गुड़ खाता था रोज, अब मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया, इसलिए आज कह रहा हूं कि गुड़ मत खाओ। हम जो बच्चों से कहेंगे कि ये मत करो, पहले हमको अमल करना पड़ेगा, तब हमारी बात का असर होगा। दोगली बातों का असर नहीं होता कि मैं तो करूंगा तुम मत करो। इसलिए बच्चों को गढ़ने के पहले हमको अपने आप को गढ़ना पड़ेगा, मेरे मित्रों अपने आप को गढ़ना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि आप गढ़े नहीं है, मैं तो बता रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। हमारा आचरण बोले और देख के कहे कि ये मेरे गुरु जी है, और बच्चे पैरों पर पड़ जाए, ये मेरे गुरु है। ये समाज के अंदर भी वो भाव लाना, ये मेरा भी दायित्व मानता हूं गुरुओं के सम्मान का, लेकिन अपना आचरण भी। और इसके साथ प्रेरक ढंग से बच्चों को नए नए प्रयोग करके हम कैसे और बढ़िया पढ़ा सकते हैं और सिखा सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, रोज नई नई चीजें आ रही है, साइंस, टेक्नोलॉजी, नया ज्ञान, तो अपने आप को रोज अपडेट करते रहना। और उसके लिए जरूरी है कि पढ़ाने के साथ साथ एक आध घंटा पढ़ने के लिए भी रखना। जमाना इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा कि ये जानकारी मुझे है कि नहीं। विभाग भी कोशिश करेगा, लेकिन विभाग की कोशिश के साथ अगर हम मेहनत करेंगे तो हम बच्चों को नई नई चीजें सिखा पाएंगे और बच्चों को बेहतर बना पाएंगे। अब मैं एक बात और बताता हूं, मैं मेरे स्कूल में जो होती थी, और आपसे भी कह रहा हूं, एक बच्चों की कॉपी आप चेक करेंगे। हमने देखो एक फैसला कर लिया, पुराने जो शिक्षा नीति में जो फैसले हुए थे वो बहुत खराब थे। पुराने समय में ये हो गया था कि बच्चों से परीक्षा ही मत लो, पास करते रहो, बिना परीक्षा पास। अब 12वीं तक पास हो गए, 12वीं में जाके बैठे तो डब्बा बच गया, कुछ था ही नहीं, आकलन का कोई तरीका ही नहीं बचा। और हमने तय किया 5वीं की भी परीक्षा होगी, 8वीं की भी परीक्षा होगी, और हर साल इंटरनल परीक्षा भी होगी। इनके बिना मूल्यांकन कैसे, पता नहीं कहां के मानवतावादी आ गए, बच्चों पे परीक्षा का बोझ नहीं, अब सीखेंगे नहीं तो फिर करेंगे क्या।
इसलिए अपन तो परीक्षा करेंगे, पांचवी की भी करेंगे, आठवीं की भी करेंगे, और बीच में इंटरनल भी हर साल होगी ताकि बच्चों का स्तर पता चले और फिर समझा सके उनको। उनको जो होमवर्क आप दोगे घर पे, कापी जांचने का काम बहुत महत्वपूर्ण है, उसी में अगर लिख देते थे कि ये इतने में से इतने नंबर, ये चीज सही नहीं, गोला लगा दिया कहीं स्पेलिंग गलत है तो। भाषा की अशुद्धियों जैसी छोटी चीज तत्काल बच्चों की समझ में आती है। मैं आजकल मुख्यमंत्री के रूप में बल्लभ भवन में प्रेजेंटेशन देखता हूं तो ये मेरे अफसर बैठे हैं, कई बार मैं टोक देता हूं, ये सा षटकोण का नहीं सा शक्कर का चाहिए, ये कैसे लिखा सा, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे पढ़ाया। तो ये जो चीजें, और फिर एक जो हमारी पालकों से संवाद देखो, वो जरूर करना, बेटा बेटी के बारे में पालकों को जानकारी देना, उसका एक सिस्टम बन जाए, पालक स्कूल आए उसको बताएं समझाएं कि बच्चा अच्छा है, इसमें अच्छा है, ये दिक्कत है बच्चे में, हम भी कोशिश कर रहे हैं, तुम भी कोशिश करो, तो समय पे आकलन हो जाएगा, तो परिवार भी सहयोग करेगा बच्चों को ठीक करने में। मुझे लगता है कि और जितनी चीजें आपको ध्यान आएंगी नई नई, प्रशिक्षण में भी बताई जाएंगी, तो और बेहतर ढंग से हम बच्चों को शिक्षित करके अच्छा नागरिक बना पाएंगे, और अच्छे नागरिक ही अच्छे देश के निर्माता होंगे। अंत में मैं आप सबसे आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, गीता के किस श्लोक याद रखना, मैंने बचपन से गीता जी पढ़ी है, अच्छा कार्यकर्ता कौन, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि भगवान सात्विक कार्यकर्ता कौन, तो एक श्लोक कहा भगवान ने, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब जो सबको समान माने, सब बच्चों को समान मानना, कोई अप्रिय नहीं, थोड़ा ढीठ होगा, कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं थोड़ा जिद्दी होगा, तो उसको भी प्रेम से समझा के मना के प्यार देके उसको भी ठीक करना। तो मुक्त संगो अनहमवादी मतलब प्रेम रखना, अहंकार अपने अंदर नहीं आना चाहिए, धृति मतलब धैर्य होना चाहिए। अब पढ़ाते पढ़ाते मेहनत करते करते कोई सीख ही नहीं रहा, तो कई बार गुस्सा आ जाती है अपन को, भाड़ में जा मुझे क्या करना, गुरु को तो हमेशा धैर्य पूर्वक शिष्य को बनाना और गढ़ना पड़ता है। और एक गुण और रखना, उत्साह। देखो बिना उत्साह के कुछ नहीं होता, कई लोग आपको हतोत्साहित करने आएंगे, अरे कहाँ चक्कर में लगे हो, दिन रात पढ़ाते ही रहते हो, तेरे पढ़ने से कोई भारत बन जाएगा क्या, ये भारत कभी सुधरने वाला नहीं है, ऐसे लोग भी होते हैं समाज में जो अपने आप को निरुत्साहित कर देंगे, छोड़ो छोड़ो यार मैं भी काय को करूं। सदैव उत्साह से भरे रहना और इसी संकल्प के साथ काम करना कि मेरे विद्यार्थियों को गढ़ना है ताकि वो भारत गढ़ के दिखा सके, ये दृढ़ संकल्प कभी समाप्त नहीं होना चाहिए हमारा। अपना देश अत्यंत प्राचीन और महान देश है, 5000 साल से ज्यादा ज्ञात इतिहास है हमारा, ये देश वो देश है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती सत्य, एक है विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं, ये देश है जिसके ऋषियों ने हजारों साल पहले कह दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ बाद में बना, हजारों साल पहले कह दिया, आयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेत सामुदार चरिता नाम तू बस वैव कुटुंब कम, ये मेरा ये तेरा ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये वो धरती है जिसने कहा आत्मवत सर्वभूतेषु सबको अपने जैसा मानो सिया राम में सब जग जानी, ये धरती वो है जिसने जिए और जीने दो का मंत्र दिया, ये धरती वो है जिसने कहा धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, ये धरती वो धरती है जिसने कहा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, केवल मैं नहीं सब सुखी हो सब निरोग हो सबका मंगल हो सबका कल्याण हो। और आज गुरुजनों के प्रशिक्षण शिविर में इस डायस पर खड़े हुए मैं ये उद्घोषणा करता हूं कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को
शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो अपना भारत कराएगा, अपना देश कराएगा। उसके लिए मध्य प्रदेश तैयार करने और उसके लिए बच्चे तैयार करने, तो आपसे यही निवेदन है कि इस काम में परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए अपने आप को झोंक के लगाएं। मैं फिर आपका शुभकामनाएं देता हूं और एक विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, आपका मान आपका सम्मान उस पर कभी आंच ना आए, इसके लिए सरकार कटिबद्ध रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम, एक बार फिर से नमस्कार। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। मध्य प्रदेश, जोर से जय मध्य प्रदेश। जाओ, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं अपना सुनहरा भविष्य बनाने के लिए, और मेहनत से आप पढ़ाओगे तो आत्मसंतोष भी मिलेगा। जाओ का मतलब अभी उठ के मत चले जाना, अभी थोड़ा कार्यक्रम बचा। अपना सुनहरा भविष्य के लिए बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, गढ़ो और अपना मानव जीवन सार्थक करो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। अपने संकल्पों से जो अंधकार धोते हैं, मिट्टी की लघुकाया वाले ऐसे ही होते हैं। मध्य प्रदेश का यह सौभाग्य है कि ऐसा विश्वासजीवी नेतृत्व, गतिशील नेतृत्व के रूप में हमें शिवराज सिंह चौहान हासिल हुए हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, इससे पहले कि हम आभार ज्ञापन के लिए माननीय आयुक्त महोदय को आपके बीच आमंत्रित करें, आपको हम बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग द्वारा आयोजित आज के इस नवनियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अगला सत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्थान के बाद जारी रहेगा। आप सबसे निवेदन है कि अपने स्थान पर बने रहें, अनुशासन पूर्वक सुबह से लेकर अभी तक लगातार जिस तरह से एक अनुशासन का परिचय आपने दिया है, जिस संयम और शांति का परिचय आपने दिया है, उसे बरकरार रखें। और आप बहुत सम्मान के साथ हम आभार ज्ञापन के लिए आमंत्रित करते हैं माननीय श्री